फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। लास्ट वीडियो में हमने टॉर्शन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट का जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में स्टडी की थी। ठीक है, तो टॉर्शन बेसिकली क्या होता है? एक ट्विस्टिंग मोमेंट है किसी भी शाफ्ट में, ठीक है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट, ओके, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द ट्विस्टिंग मोमेंट इन द पोलर एक्सिस। ठीक है, तो उस बेसिस पे क्या होता है, जो पोलर एक्सिस है ऑन द बेसिस ऑफ दैट अ शियर स्ट्रेस इज जनरेटेड इन द शाफ्ट। ठीक है, तो टॉर्शन बेसिकली हमको समझना है, जो टॉर्क है, ट्विस्टिंग मोमेंट बोल लीजिए, ओके, और स्ट्रेस के बारे में जो स्टडी है उससे रिलेटेड हमको टॉर्शन के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ठीक है, लास्ट वीडियो के एंड पे मैंने बोला था कि हम हर जस्ट जो भी हमारा टॉपिक कंप्लीट होता जा रहा है तो उसके बाद हम उसके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन, ठीक है, जैसे आप लोगों के एग्जाम्स में आते हैं वैसे कुछ क्वेश्चंस हमेशा हर टॉपिक के कंप्लीट किए हैं। तो आज का वीडियो बेसिकली आपके सम ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस पे बेस्ड है, जो टॉर्शन ऑफ शाफ्ट जो टॉपिक है वो आप लोगों का कवर करता है। ठीक है, तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा टॉर्शन ऑफ शाफ्ट, एंड आज का जो हमारा स्कोप है वो है सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन इज, मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट ड्यू टू अप्लाइड टॉर्क वेरीज फ्रॉम। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सीधे ऐसे सट्टे मार के आंसर नहीं ले सकते, आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास टॉर्शन इक्वेशन था, टॉर्शन इक्वेशन के एजम्पशंस आप लोगों को क्लियर होने चाहिए कि हमने क्या क्या एज्यूम किया है, वो भी एक तरह के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट इज, टॉर्शन इक्वेशन के किसी भी जो हमारे जो क्वांटिटीज हैं, चाहे वो शियर स्ट्रेस हो, चाहे टॉर्क हो, रेडियस हो, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द ट्विस्ट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और द लेंथ। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बेसिकली मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो अगर एक मटेरियल है तो वो कॉन्स्टेंट होगा, अलग अलग मटेरियल का अगर हमको कंपेरिजन करना है तब वो वैल्यू अलग हो सकती है। ठीक है, बट रेडियस लेंथ अगर किसी शाफ्ट का गिवन है तो उसमें वेरी क्या कर सकता है, बेसिकली आप लोग का जो है वो टॉर्क एंड शियर स्ट्रेस। ठीक है, रेडियस इफ द डायमेंशन इज क्लियर देन द रेडियस विल बी सेम, रेडियस सेम है तो आप लोगों का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू वेरी नहीं होगी, मतलब उस पर्टिकुलर रेडियस के आप लोगों को एक ही पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। ठीक है, बट वेरी जो करेगा बेसिकली आप लोगों का शियर स्ट्रेस करेगा और आप लोगों की टॉर्क की वैल्यू करेगी। ओके, तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द शाफ्ट टू अप्लाई टॉर्क वेरीज फ्रॉम। ओके, तो वेरी किस तरीके से करता है, तो टॉर्शन इक्वेशन आप लोगों को अगर याद है तो दैट इज टी, दैट इज द टॉर्क डिवाइडेड बाय पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस अपॉन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यू कैन से द रेडियस ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, इज इक्वल्स टू जी थीटा अपॉन एल, जी इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एल इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसी इक्वेशन में, टॉर्शन इक्वेशन में ही आप लोगों का आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम एट द सेंटर, जीरो एट द सर्कमफेरेंस। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, व्हेन आर इज इक्वल्स टू जीरो आपके शियर स्ट्रेस की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, तो शियर स्ट्रेस विल बी जीरो। तो ओके, तो मैक्सिमम एट द सेंटर टू मिनिमम एट द सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो मैक्सिमम एट द सेंटर मतलब आर इज इक्वल्स टू जीरो पे क्या शियर स्ट्रेस मैक्सिमम मिल सकती है, ये भी केस आप लोगों का पॉसिबल नहीं है। थर्ड वन इज जीरो एट द सेंटर टू मैक्सिमम एट द सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर आप लोगों का टॉर्क कॉन्स्टेंट है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्स्टेंट है, ठीक है, दैट मीन्स इफ द डायमेंशन इज क्लियर, तब अगर ये दो आपके क्वांटिटीज कॉन्स्टेंट हो जा रही हैं, तब जो इक्वेशन का आप लोगों का जो दो फंक्शन आप लोगों को मिल रहा है, T by J is equals to tau by R, इससे हमको ये मिलता है कि the shear stress is proportional to the radius, ठीक है? तो अगर radius पे proportional है, that means if zero at the center, that means वहाँ पे radius की value zero है, ठीक है? But maximum कहाँ पे होगी? Maximum at the circumference, ठीक है? जहाँ पे आप लोगों का radius maximum होगा, तो इस question का आप लोगों का answer हो जाता है option C, zero at the center to maximum at the circumference, ठीक है? ये वैल्यू आप लोगों को ये जो आप लोगों का फॉर्मूला है ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, जो टॉर्शन इक्वेशन है और कैसे हम अलग अलग क्वांटिटीज के लिए इस फॉर्मूले को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस इन अ सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू अ टॉर्शन इज। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द
टॉर्शन इक्वेशन में जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो शियर स्ट्रेस था, ठीक है, शियर स्ट्रेस बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू डिपेंड करती है रेडियस पे, ठीक है, दैट इज नॉट ए शॉर्ट ऑफ योर डिग्री 2 और डिग्री 3 पॉलीनोमियल। तो सीधा आप लोगों का आंसर क्या जाता है, वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस सब्जेक्टेड टू टॉर्शन इज योर लीनियर, ठीक है। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का थोड़ा सा मैं रिमाइंड पीछे चलते हैं, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में भी ऐसा ही रहता था कि कहाँ पे लीनियर होगा, कहाँ पैराबोलिक, कहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो वैसे ही सेम आप लोग का सर्कुलर शाफ्ट के केस में अगर आप लोग रेडियस को देखते हैं, ठीक है, वेरिएशन शियर स्ट्रेस का डिपेंड किस पे कर रहा है, बेसिकली रेडियस पे कर रहा है आप लोगों के, तो रेडियस कैसा है, रेडियस शोज अ सॉर्ट ऑफ लीनियर क्वांटिटी, ठीक है, और लीनियर फंक्शन। तो आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेस कैसे मूव कर रहा है, तो इट इज सॉर्ट ऑफ लीनियर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिलेशन गवर्निंग द टॉर्शनल टॉर्क इन सर्कुलर शाफ्ट इज, अब एक नया वर्ड आप लोगों को देखने मिला होगा टॉर्शनल टॉर्क, ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली आप लोगों का टॉर्क ही है, ठीक है। किसी सर्कुलर शाफ्ट में हमने जो क्या डिराइव किया था, हमने डिराइव किया था आपकी शियर स्ट्रेस, टॉर्क, ट्विस्ट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, लेंथ पे इक्वेशन जनरेट किया था, ठीक है। इसी इक्वेशन पे आप लोगों का आंसर पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे अगर ऐसा दे देता कि अमंग द फॉलोइंग विच इज द टॉर्शन इक्वेशन, तो आप लोग सीधा आइडेंटिफाई करते, थोड़ा सा घुमा के दे दिया रिलेशन गवर्निंग द टॉर्शनल टॉर्क, ठीक है, तो वो भी सेम है, ओके तो आंसर क्या होगा, टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, आंसर इज योर बी, ठीक है, बी क्वांटिटी आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे आप लोगों का आंसर है, बाकी आप लोगों के रिलेशन आपके टॉर्शन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। द टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ अ शाफ्ट इज डिफाइंड एस, लास्ट वीडियो के हमने जो लास्ट पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होती है, ठीक है, टॉर्शनल रिजिडिटी इज बेसिकली गिवन बाय योर जी मल्टीप्लाइड बाय जे, ठीक है। अब ये क्या जी और जे है, तो हमने जब इक्वेशन में देखा था कि स्टिफनेस देखा था, ठीक है, तो वो हो जाता है आप लोगों का टी बाई थीटा, बट टॉर्शनल रिजिडिटी की बात आती है तो दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू योर जी इंटू जे, ठीक है, जे इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ अ शाफ्ट इज गिवन बाय, ठीक है, फिर से वही आ गया आप लोगों का, तो टी एल बाई थीटा, अब वहां पे दूसरा था यहाँ पे दूसरा, ऐसा कैसा क्यों हो गया, तो फॉर्मूला वही है, टॉर्शन इक्वेशन यहाँ से अगर आप लोग देखते हैं, ठीक है, तो टी बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा बाय, ये दोनों क्वांटिटी को आप कंपेयर कीजिए, तो टॉर्शनल रिजिडिटी बेसिकली जो होती है वो होती है आप लोगों की द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मल्टीप्लाइड बाय द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल गेट टी मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ डिवाइडेड बाय द ट्विस्ट, ठीक है, या थीटा इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाय जे, तो टॉर्शनल रिजिडिटी का एक फॉर्मूला क्या बनता है आप लोगों का, जी मल्टीप्लाइड बाय जे, इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया तो क्या दे दिया, दिस इज टी एल बाई थीटा, ठीक है, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट इज अ सॉलिड शाफ्ट ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ऑफ सेम मटेरियल एज दैट ऑफ हॉलो शाफ्ट कैन रेजिस्ट, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉलिड शाफ्ट, ठीक है, हमने पढ़ा है सॉलिड शाफ्ट के बारे में, ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सेम मटेरियल, एजम्पशन में सेम मटेरियल हमने लिया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम नहीं सेम होगा ये भी हमने एज्यूम करके चला था, ठीक है, एज दैट ऑफ अ हॉलो शाफ्ट कैन रेजिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन आता है, जो लास्ट वीडियो पे हमने कंपैरिजन देखा था हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट का, उसमें हमने क्या क्या डिफाइन किया था, हमने टॉर्क बेसिस पे किया था और हमने वेट बेसिस पे किया था, ठीक है, तो यही चीज आप लोगों को पूछ रहा है कि सॉलिड शाफ्ट कंपेयर टू हॉलो शाफ्ट, ठीक है, क्वेश्चन को फंसना नहीं है, क्वेश्चन में क्वेश्चन को समझना है, क्या समझना है कि सॉलिड टू हॉलो बोल रहा है, हॉलो टू सॉलिड नहीं बोल रहा है, अगर यही सेम क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता वैसे वर्षा तो आप लोगों को क्या मिलता, हॉलो टू सॉलिड अगर पूछता तो आप लोगों का आंसर होता मोर टॉर्क, बट यहाँ सॉलिड शाफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू हॉलो शाफ्ट पूछ रहा है, दैट मीन्स इट विल ट्रांसमिट अ लेस टॉर्क, ठीक है, वैल्यू हमने देखी थी तो आंसर आप लोगों का क्या होगा, लेस टॉर्क, ठीक है, सॉलिड शाफ्ट के सेम डायमेंशन का सॉलिड शाफ्ट हो, सेम आपके आउटसाइड डायमीटर का हॉलो शाफ्ट हो, तो हॉलो शाफ्ट कैन ट्रांसमिट मोर टॉर्क कंपेयर टू द सॉलिड सॉलिड शाफ्ट, ठीक है।
Next is the angle of twist of a circular shaft is given by theta is given by TL by GJ. सिंपल से आप लोगों का टॉर्शन इक्वेशन में अगर क्वेश्चंस आते हैं टॉर्शन पे तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे जो आप लोगों का एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ठीक है, जब आप लोग इस फॉर्मूले से टॉर्शन इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे तो वो आप लोगों को रेडियन में मिलेगा, ठीक है, नॉट इन एंगल। बट आप जब इस रेडियन को एंगल में कैलकुलेट करेंगे तो 180 बाय पाई आप लोग को मल्टीप्लाई करना है, तब आप लोगों की वैल्यू किस में, एंगल में आ जाएगी। क्लियर है, ये चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ अ सॉलिड शाफ्ट इज गिवन बाय, ये भी फॉर्मूला हमने देखा था, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ अ सॉलिड शाफ्ट। प्री में सिर्फ फॉर्मूला पूछ सकता है, मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, टॉर्क इज गिवन, जी इज गिवन, लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज गिवन, आर इज गिवन, कैलकुलेट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। तो ये क्या आपका आंसर होना चाहिए, 16t अपॉन पाई डी क्यू, ठीक है, ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑन द क्रॉस सेक्शन व्हेन अ शाफ्ट इज साइमल्टेनियसली सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क एंड अ बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आप लोगों का होता है, ये कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन का टॉपिक है, ठीक है। कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन हमने नहीं पढ़ा है, बट देन ऑल्सो ये क्वेश्चन आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मे भी आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं। रीजन इज बेंडिंग मोमेंट आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, टॉर्शन आप लोगों ने पढ़ा है, आगे जो टॉपिक आएगा उसमें जो मैंने बोला था कि समरी वाला हमारा जो सेशन रहेगा, समरी वाले टेक्निकल सेशन में मैं बाकी सब चीजों को भी कवर अप करते चलूंगा, ठीक है। तो कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन क्या बोलता है कि यू हैव टू डेराइव इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट एंड इक्विवेलेंट टॉर्शनल मोमेंट, ओके, इन दोनों चीजों को आप लोगों को कंपेयर करके एक इक्विवेलेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट विल बी इक्वल टू द सेम वैल्यू व्हेन अ बेंडिंग मोमेंट और अ टॉर्क is combinedly applied on a shaft, ठीक है। Shaft में suppose this is a shaft, shaft में अगर torque भी apply हो रहा है और bending भी apply हो रहा है, उस case में आप लोगों का equivalent bending moment या equivalent torque हम calculate करते हैं, ठीक है। तो वो value क्या होगी, that depends on both the bending stress and the torsional the bending moment and the torque, ठीक है, दोनों पे depend करता है। तो उस केस में क्या मिलता है आप लोगों को, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है दैट इज 32 m, m इज योर यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है वो 32 m डिवाइडेड बाय पाई डी क्यूब, ओके। और मैक्सिमम टॉर्क जो आप लोगों ने कैलकुलेट करते हैं वो आप लोगों को क्या मिलता है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो बोलता है शेयर स्ट्रेस वो क्या होता है, 16 मल्टीप्लाइड बाई टी, ये जो अभी आप लोगों ने फॉर्मूला देखा 16t मल्टीप्लाइड बाय पाई डी क्यूब, ठीक है, ये आप लोगों को क्या हुआ, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो यही क्वेश्चन इस योर क्वेश्चन नंबर 9 में यही पूछ रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो वो वैल्यू है, मैक्सिमम बेंडिंग इज योर 32 एंड मैक्सिमम शियर इज योर 16, ठीक है। तो वैल्यू क्या मिल रही है आप लोगों को, 2m बाय टी, ठीक है, बिकॉज 16 डिवाइडेड बाय 32 यू विल गेट 2, तो 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट डिवाइडेड बाय द टॉर्क इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। वाइस वर्सा उल्टा करके भी पूछ सकता है, मैक्सिमम शियर टू मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, उस केस में आप लोगों का क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आप लोगों का टी अपॉन 2m, इसका इनवर्स कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन हॉलो शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्शनल मोमेंट इज एट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा दूसरे वे में पूछा था, इसमें थोड़ा दूसरे वे में पूछा हुआ है, उसमें क्या पूछा था, ऑप्शन क्या क्या थे आप लोगों के पास, जीरो एट द सेंटर टू द मैक्सिमम एट द सर्कमफेरेंस, ठीक है, मैक्सिमम एट द सर्कमफेरेंस दैट मींस वेयर द वैल्यू ऑफ योर रेडियस इज मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोगों का आंसर आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे, मिडिल ऑफ द थिकनेस, ठीक है, इंटरमीडिएट पे होगा नहीं, एट द इनर सर्फेस ऑफ द शाफ्ट दैट मीन्स जहाँ पे रेडियस जीरो वहां पे नहीं होगा, एट द आउटर सर्फेस ऑफ द शाफ्ट दैट मीन्स आर इज इक्वल्स टू आर मैक्स, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज एट द मिडिल सर्फेस ऑफ द शाफ्ट। तो मिडिल पे इंटरमीडिएट पे होगा नहीं आप लोगों का, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एट द आर इज इक्वल्स टू आर मैक्स दैट इज द सर्कमफेरेंस। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन को आइडेंटिफाई भी करना है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो ऑप्शन में आप लोग फंस सकते हैं कि ये भी हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है क्या। तो मैक्स प्रोबेबिलिटी वाले जो आपके आंसर हैं,
ठीक है, वही आपको लेके चलना है। ओके, वैसे एसएससी में इतने कंफ्यूजिंग आंसर नहीं देता, सिंगल वन लाइनर ही रहेगा, यस तो यस, नो तो नो। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ होलो शाफ्ट टू दैट ऑफ सॉलिड शाफ्ट सब्जेक्ट टू टॉर्शन इफ बोथ आर ऑफ सेम मटेरियल सेम आउटसाइड डायमीटर। ये हमने इससे पहले एक क्वेश्चन बनाया था, व्हेन द इनसाइड डायमीटर आउटसाइड डायमीटर होलो शाफ्ट इज गिवन वेयर एज द डायमीटर ऑफ द सॉलिड शाफ्ट इज गिवन। ठीक है, द इनर डायमीटर ऑफ होलो शाफ्ट बींग हाफ ऑफ द आउटर डायमीटर, हमने उसको 2:3 वाले रेशियो में कैलकुलेट किया था। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, इफ डी बाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी दैट इज द इनर डायमीटर टू द आउटर डायमीटर ऑफ अ होलो शाफ्ट, इसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो स्ट्रेंथ बेसिस पे आप लोगों को क्या मिलेगा, तो स्ट्रेंथ के लिए बेसिकली हमने देखा था हमको वेट को, सॉरी स्क्वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया को हमको लेके इक्वेट करना है। ओके, सो ऑन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन जैसे हमने वो 2:3 के लिए किया था, वैसे सेम आपको 1/d/d/H या 1/2 लेके चलना है। तो इन दैट केस यू विल बी गेटिंग द वैल्यू 15/16। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार बना के आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ टू शाफ्ट जॉइंट इन सीरीज इज 2। ठीक है, इफ द टू शाफ्ट हैव द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ द ट्विस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिएगा, सपोज ये कोई दो शाफ्ट है, ओके, जॉइंट यहाँ पे सेंटर पे जॉइंट है, तो अभी दो चीजें होती हैं, फर्स्ट इज द शाफ्ट इन सीरीज, सेकंड इज द शाफ्ट इन पैरेलल। सीरीज और पैरेलल का आप लोग ऑलरेडी चीजें समझ सकते हैं, सीरीज मीन्स दैट इज बोथ द शाफ्ट। ठीक है, हमारे टॉर्शन में कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इफ द शाफ्ट विल बी कंसिडर इन सीरीज व्हेन द एंगल ऑफ ट्विस्ट इन शाफ्ट वन प्लस एंगल ऑफ ट्विस्ट इन शाफ्ट टू, ओके, दोनों को कम्युलेटिव करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तभी हमको ओवरऑल एंगल ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ शाफ्ट इन सीरीज यू विल गेट दैट द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल ट्विस्ट इन अ शाफ्ट। ठीक है, बट यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपका टी वन दैट इज द टॉर्क इन शाफ्ट वन will be equal to the torque in shaft 2। ठीक है, parallel का क्या concept है ये भी सुन लीजिए, जब parallel होगा तो उस केस में क्या होगा, parallel that means ये both shaft आपस में either clubbed हैं, okay, और दोनों एक साथ move कर रहे हैं, so in that case what you will get is the angle of twist in shaft 1 will be equal to the angle of twist in shaft 2, okay, but the torque will be divided in both the shafts। ठीक है, टॉर्क तो है दोनों शाफ्ट में, मे बी इक्वली मे बी इन अ प्रोपोर्शन डिवाइड होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों कॉन्सेप्ट, शाफ्ट इन सीरीज शाफ्ट इन पैरेलल का कॉन्सेप्ट यही है, द शाफ्ट विल बी कंसिडर्ड इन सीरीज व्हेन द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्विस्ट इन द इंडिविजुअल शाफ्ट वेयर इन इन विच द टॉर्क विल बी सेम इन बोथ द शाफ्ट, बट व्हेन द शाफ्ट इज इन पैरेलल द एंगल ऑफ ट्विस्ट विल बी इक्वल इन बोथ द शाफ्ट but the torque will be distributed among the shafts। ठीक है, ये concept, ये दोनों statement जो भी मैंने आपको बताया इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत important है। अब आते हैं question पे, ratio of diameter of two shafts joined in the series is 2। ठीक है, series पे joint है, that means इनका जो torque है वो same होगा। If the shafts have the same material, the same length, the ratio of the angle of twist, torque same होगा, टॉर्क सेम होगा, तो ट्विस्ट में आप लोगों का फॉर्मूला आप लोगों को क्या मिलता है, ठीक है, T इज इक्वल टू जी थीटा एल जे अपॉन जी थीटा जे अपॉन एल। ठीक है, ये आप लोगों को मिलेगा, तो ये कैसे मिल रहा है आप लोगों को, वैल्यू आप लोग जो कैलकुलेट करोगे, सेम मटेरियल सेम लेंथ बोल रहा है, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए क्या होगा, आपका जी कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है, एल कॉन्स्टेंट हो गया, क्या मिल गया, क्या रह गया आप लोगों के पास, अगर आप लोगों को कंपेयर करने किसी दो शाफ्ट को, तो हमने कैलकुलेट किया जी थीटा, ओके, जे अपॉन एल, एल एंड जी आर कांस्टेंट, तो थीटा इंटू जे आप लोगों को मिल गया। तो जब थीटा और जे को आप लोग कंपेयर करोगे, आप लोगों को बेसिकली एंगल ऑफ ट्विस्ट चाहिए। ठीक है, शाफ्ट में सीरीज में है, जॉइंट इन सीरीज इज 2, डायमीटर का रेशियो आप लोगों को दे दिया है, ठीक है, डी वन बाई डी टू इज इक्वल टू 2। इस बेसिस पे जब आप लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू पुट अप करते हैं, तो डी आप लोग क्या पुट अप करेंगे, 2,
एंड पाई बाई 32, जे इज इक्वल टू पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4, ठीक है। तो पाई बाई 32, पाई बाई 32 दोनों शॉर्ट में कॉमन हो गए आपके, तो वो कैंसिल आउट हो गया। बट रह गया क्या, डी वन बाई डी टू, डी वन इज सपोज 1, देन डी टू इज 2। उस केस में आप लोगों को वैल्यू क्या मिलेगी, द रेशियो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज 16, ठीक है। क्योंकि 2 टू द पावर 4 अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों को वैल्यू क्या मिलेगा, 16, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ टू शाफ्ट इन सीरीज इज 2, द शाफ्ट द सेम मटेरियल सेम है, द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस। अब देखिए उसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके एक नया क्वेश्चन ले आया है, ठीक है। शाफ्ट डायमीटर सेम बोल दिया, अब इस केस में क्या होगा, आप लोग को टी बाई जे इक्वल्स टू टाउ बाई आर ये वाला पोर्शन लेके चलना है टॉर्शन इक्वेशन का, ठीक है। कॉन्स्टेंट कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी, मटेरियल सेम दैट मीन जी सेम है, ठीक है, एंड सेम लेंथ, ठीक है। तो रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस बोल रहा है, तो शेयर स्ट्रेस क्या होता है, टाई वन बाई 16t अपन पाई डी क्यूब, 16t अपन पाई डी क्यूब, दोनों मटेरियल का हो जाएगा। रेशियो क्या दे दिया है, 16t कैंसल आउट, पाई पाई कैंसल आउट, डी वन क्यूब अपॉन डी टू क्यूब, ठीक है। तो आप लोगों को क्या मिलेगा, सेकेंड टू फर्स्ट बोल रहा है, दैट मीन्स वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 to the power 3, दैट मीन्स 2 का क्यूब वैल्यू आ जाएगा आप लोगों का 8, ठीक है। तो आंसर इज योर सी ऑप्शन, आंसर इज 8, ठीक है। फॉर टू शाफ्ट ज्वाइंट इन सीरीज द डैश इन ईच शाफ्ट इज सेम, अभी जस्ट मैंने 2 मिनट पहले आप लोगों को बताया कि अगर शाफ्ट सीरीज में है तो क्या सेम होगा, शाफ्ट पैरेलल में है तो क्या सेम होगा, ठीक है। शाफ्ट सीरीज में है तो टी वन इज इक्वल टू टी टू होगा, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा, सी टॉर्क, क्लियर है। ये दोनों स्टेटमेंट और दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिठा लीजिए, ठीक है। नहीं होता है तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखिए कि मैंने क्या स्टेटमेंट दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शाफ्ट इन सीरीज, शाफ्ट इन पैरेलल, न्यूमेरिकल्स मेंस में पूछता है। जब मेंस के बारे में हम आएंगे तब मेंस की चीजों को देखेंगे, बट अभी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। फॉर टू शाफ्ट जॉइंड इन पैरेलल द डैश इन ईच शाफ्ट इज सेम, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को भरना है कि कौन सा क्या चीजें सेम होंगी, तो यहाँ पे क्या चीज सेम होती है, अभी मैंने बताया, अगर याद होगा यहाँ पे सीरीज में है तो एंगल ऑफ ट्विस्ट आप लोगों का सेम होता है, ठीक है। द शाफ्ट्स आर मेड ऑफ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल मींस कंफ्यूजिंग, ठीक है। जरूरी नहीं कि उसी मटेरियल का हो, डिपेंड करता है कि पर्पस क्या है, ठीक है। डक्टिलिटी क्यों होनी चाहिए हम, ओके, स्टील का क्यों होना चाहिए, कास्ट आयरन का क्यों होना चाहिए, हाई स्पीड स्टील के क्यों होने चाहिए, ओके, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो शाफ्ट्स आर जनरली मेड ऑफ, अगर हम ये देखते हैं तो शाफ्ट जनरली मेड होते हैं कास्ट आयरन से, ठीक है। वाई रीजन वाई इज, कास्ट आयरन की हमको जो स्ट्रेंथ मिलती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। या बोला जाए कि मटेरियल आप लोगों का, अगर आप लोगों का पर्पस डक्टिलिटी नहीं है तो देन बेटर यू कैन गो टू द कास्ट आयरन मटेरियल, ठीक है। द शाफ्ट्स आर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई भी पेपर अटेम्प्ट करते हैं उस पर्पस से, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि डिजाइन जब अगर आप लोग किसी शाफ्ट का पढ़ते हैं, ओके, तो उस केस में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि जो शाफ्ट्स हैं, ठीक है, हम डिजाइन किस पर्पस से करेंगे। तो पर्पस हमारा पहला क्या होता है, देखिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, जल्दी टूटे ना, ठीक है, लोड आए तो लोड को बियर भी कर ले, ओके, एंड हम जितने लाइफ तक उसको एज्यूम करते हैं कि शाफ्ट्स की इतनी इतने दिन तक इतने रोटेशन ऑफ लाइफ होनी चाहिए, उतनी लाइफ को एटलीस्ट वो अपना फुलफिल करे, ठीक है, लाइफ ऑफ शाफ्ट जो हम बोलते हैं। तो उस बेसिस में क्या देखिए, प्रॉपर्टी दी ऑफ डक्टिलिटी, डक्टिलिटी पूरा पर्पस हमारा सॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मैलियबिलिटी, तो शाफ्ट्स को हमको कौन सा उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कि उसमें कौन सा हमेशा कंप्रेसिव लोड आएगा और उसको एक शॉट ऑफ हमको किसी शीट के फॉर्म में ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेजिलियंस, व्हाट इज रेजिलियंस, रेजिलियंस हमने शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है हमारा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था रेजिलियंस क्या है, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड अप टू द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी की भी बात नहीं होती, तो ऑप्शन आप लोगों को क्या रह जाता है, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, ठीक है। अब क्या है ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी, स्ट्रेंथ हमने डेफिनेशन में देखा था कि मटेरियल और द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द लोड,
ठीक है, कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए मटेरियल का, तो कितना वो रेजिस्ट कर सकता है पर्टिकुलरली टू इंडेंटेशन। ठीक है, स्ट्रेंथ के लिए हम वर्ड यूज करें इंडेंटेशन या स्क्रैच। ओके, व्हाट अबाउट द रिजिडिटी, मटेरियल डिफॉर्म कितना जल्दी हो सकता है। ओके सॉरी, द मटेरियल कितना लोड को बियर कर सकता है अनलेस एंड अंटिल इट गेट्स डिफॉर्म, वो कहलाती है उसकी रिजिडिटी। ठीक है, तो शाफ्ट के लिए बेसिकली हमारे पास दो डिजाइन क्राइटेरिया है, फर्स्ट इज द स्ट्रेंथ एंड अदर इज द रिजिडिटी। ओके, नेक्स्ट, द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, ट्विस्टिंग मोमेंट आ गया, ट्विस्टिंग मोमेंट बेसिकली बोला जाए तो टॉर्क है और एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब थीटा है। टॉर्शन इक्वेशन को एक बार दिमाग में बिठाइए, टी बाई जे इज इक्वल टाउ बाई आर इज इक्वल जी थीटा बाई एल, टाउ बाई आर को भी हटा देते हैं, टी बाई जे इज इक्वल जी थीटा बाई एल, बाकी सब अगर चीजें कॉन्स्टेंट हैं तो आप लोगों को क्या मिल रहा है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जैसे जैसे आप लोगों का टॉर्क बढ़ेगा किसी भी शाफ्ट में, वैसे वैसे उसमें डिफॉर्मेशन आएंगे, दैट मीन्स वो शाफ्ट जो है वो ट्विस्ट करेगा। क्लियर है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, नेक्स्ट इज फॉर अ सेम मटेरियल लेंथ एंड गिवन टॉर्क हॉलो शाफ्ट वेज देयर एज अ सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, अब देखिए लास्ट वीडियो में कंपैरिजन ऑफ होलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट जो हमने देखा था, एक था टॉर्क का कंपैरिजन, दूसरा था उसका वेट का कंपैरिजन। ठीक है, तो वेट के कंपैरिजन में हमने क्या देखा था कि होलो शाफ्ट, ठीक है, फॉर द सेम टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, किसी सेम टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए अ होलो शाफ्ट विल वे लेस देन टू दैट ऑफ अ सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, तो अभी आप लोगों का आंसर क्या होगा, लेस देन, क्योंकि हमको कंपैरिजन किसका पूछा है, अ हॉलो शाफ्ट वेज डैश अ सॉलिड शाफ्ट, तो हॉलो शाफ्ट वेज लेस देन अ सॉलिड शाफ्ट। अगर ये सॉलिड शाफ्ट इधर होता, हॉलो शाफ्ट इधर होता, तो सॉलिड शाफ्ट विल वे मोर देन अ हॉलो शाफ्ट आता। ठीक है, तो क्वेश्चन की वैरायटीज भी समझते चलो आप लोग। द स्ट्रेंथ ऑफ हॉलो शाफ्ट फॉर द सेम मटेरियल एंड वे इज डैश अ सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन पलट दिया। ओके, तो अब आंसर क्या आ जाएगा, मोर देन। ठीक है, इन केस ऑफ हॉलो शाफ्ट द एवरेज टॉर्शनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब ये टॉर्शनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है। ओके, तो टॉर्शनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए आप लोगों के पास क्या है, जो जी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बेसिकली अभी इस ऑप्शन में आप लोगों को सी के फॉर्म में दिख रहा है, सी या जी दोनों से हम डिनोट करते हैं, कभी आप लोगों को जी देखने को मिलेगा कैपिटल जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कभी कैपिटल सी। ठीक है, तो उस केस में आप लोगों का आंसर कैसे होता है, तो देखिए एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय द लोड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन शाफ्ट में हम किस फॉर्म में देते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट के फॉर्म में, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब हाफ टॉर्क इंटू थीटा, ये आप लोगों का फॉर्मूला हो जाता है डिफॉर्मेशन का। तो टॉर्शनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोल दिया है अगर, तो हमको क्या करना है, एनर्जी हमने कैलकुलेट किया हाफ टी इंटू थीटा अपॉन वॉल्यूम कर देते हैं, शाफ्ट का वॉल्यूम क्या होगा, पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो जब वो टी एल बाई जी जी आप लोग पुट अप करोगे और नीचे वॉल्यूम पाई बाय फोर डी स्क्वायर एल आप लोग रखोगे, उस केस में आप लोगों को क्या मिलता है, द एवरेज टॉर्शनल एनर्जी। ठीक है, उस केस में वैल्यू आप लोगों को क्या मिलेगी, टाउ स्क्वायर फोर सी मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों का एक बेसिक फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज टॉर्शनल एनर्जी कैलकुलेशन का। ओके, अगर एवरेज टॉर्शनल एनर्जी बोल रहा है, ठीक है, तब पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम आप लोगों को डिवाइड नहीं करना, वॉल्यूम यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, बट पर यूनिट वॉल्यूम अगर बोलता है तो यहाँ पे आप लोगों को वॉल्यूम डिवाइड करके आप लोगों का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अ शाफ्ट इज सेड टू बी इन प्योर टॉर्शन। ठीक है, प्योर टॉर्शन का केस है, तो प्योर टॉर्शन में क्या होगा, टर्निंग मोमेंट इज अप्लाइड एट वन एंड एंड अदर एंड इज फ्री, टर्निंग मोमेंट इज अप्लाई एट वन एंड एंड अदर एंड इज फ्री, टू अपोजिट टर्निंग मोमेंट्स आर अप्लाइड टू द शाफ्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ टॉर्शनल लोड एंड बेंडिंग मोमेंट इज अप्लाइड ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, प्योर टॉर्शन मतलब एक ही कंपोनेंट है जो बॉडी को डिफॉर्म करना है, टॉर्क, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, ये तो सरासर गलत है, कंबाइंड तो हो ही नहीं रहा टॉर्शन और बेंडिंग का। ठीक है, दूसरा आ जाता है टर्निंग मोमेंट इज अप्लाइड एट वन एंड एट द अदर एंड इज फ्री, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोई डिफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा, नहीं मिलेगा।
क्यों नहीं मिलेगा, एक एंड पे हो रहा है दूसरा एंड फ्री है। ओके, थर्ड पॉइंट इज टर्निंग फोर्स इज अप्लाइड एट वन एंड एंड अदर एंड इज फ्री। ठीक है, यहाँ पे मोमेंट की बात हुई, यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो आप लोग फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स अगर आप लोग को किसी एरिया पे ऐड करेगा तो उसका अगर हम मोमेंट लेते हैं, ठीक है, फोर्स के कारण बॉडी रोटेशन पे आएगी, ये जरूरी नहीं है बॉडी विल डिफॉर्म, तो ये भी आप लोगों का ऑप्शन हो जाता है गलत। तो आप लोगों के पास लास्ट ऑप्शन क्या बच जा रहा है, टू अपोजिट टर्निंग मोमेंट्स आर अप्लाइड टू द शाफ्ट। ठीक है, प्योर टॉर्शन के केस में क्या कहना है कि ये कोई शाफ्ट है तो टू अपोजिट टर्निंग मोमेंट, ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं इसको ऐसा मूव कर रहा हूँ तो ये उंगली इधर जा रही है, ये उंगली ऊपर की तरफ जा रही है। नेक्स्ट इज ये वाला पोर्शन आप लोगों को किस तरीके से बिहेव करके अपोजिट करेगा, क्यों, एवरी एक्शन आप लोगों को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना है। ठीक है, इसीलिए बोला जा रहा है कि टू अपोजिट टर्निंग मोमेंट्स आर अप्लाइड टू द शाफ्ट प्योर टॉर्शन के केस में, याद रखिएगा ये वर्ड प्योर टॉर्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज इन पावर ट्रांसमिशन इक्वेशन P इज इक्वल टू टू दिस इज पाई एल टी अपॉन 60 × 100। ठीक है, P इज इन किलोवाट, T इज मैक्सिमम टॉर्क, P इज इन न्यूटन मीटर पर सेकंड, T इज मैक्सिमम टॉर्क, P इज न्यूटन मीटर पर सेकंड, T इज मीन टॉर्क, P इज इन किलोवाट, T इज द मीन टॉर्क। अब देखिएगा, पहले समझ लीजिए कि ये इक्वेशन ये कहाँ से आया, ये है आप लोगों का शाफ्ट में आप लोगों का होता है द पावर ट्रांसमिशन इक्वेशन या पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ द शाफ्ट बोला जाए या टोटल पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट बोला जाए। ठीक है, कोई भी वर्डिंग्स आती है पावर से रिलेटेड शाफ्ट में तो ये आप लोगों का हो जाता है एक तरह का स्टैंडर्ड फॉर्मूला 2πNT/60 × 100। ये वैल्यू आप लोगों को अगर आप लोगों ने 1000 कर दिया है डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स किलो वॉट में आप लोगों को वैल्यू मिलेगी। ठीक है, पहला आंसर यहीं से निकल गया आप लोगों का, जो पी पूछ रहा है, पी इज इन किलो वॉट, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, किलो वॉट। ओके, नेक्स्ट इज ये एन जो है, दिस इज द स्पीड ऑफ द शाफ्ट इन RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, पर मिनट है इसलिए हमने इसको 60 से डिवाइड किया है, पर सेकंड हुआ होता, ठीक है, वी नीड नॉट नीड दिस 60 की हमको यहाँ पे जरूरत नहीं रहती। ओके, क्यों, क्योंकि टॉर्क जो है आप लोगों का किस में मिलता है, न्यूटन मीटर में रहेगा। ओके, स्पीड जो रहेगा RPM में रहेगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट में रहेगा। ठीक है, 2π इज अ कॉन्स्टेंट टर्म। ओके, तो पावर हमको क्या चाहिए, पावर इज बेसिकली योर किलो वॉट, ठीक है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो पावर जो है आप लोगों को न्यूटन न्यूटन मीटर पर सेकेंड, किलो जूल होता है, ठीक है, किलो जूल पर सेकेंड, तो किलो जूल पर सेकेंड के लिए आप लोगों के पास वॉट में आएगा कन्वर्जन में। तो इस केस में पी इन 2000 दिया है इसलिए पी इज इन किलो वॉट। ओके, तो पहला आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया, आइदर ऑप्शन ए आइदर ऑप्शन डी। अब बात आती है टी की, तो टी बेसिकली होता है आप लोगों का मीन टॉर्क। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क नहीं बोल सकते या नहीं लेते, फॉर्मूले में डिफाइन नहीं होता, क्यों, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि व्हेनेवर शाफ्ट इज एक्टिंग ऑन, सॉरी, व्हेनेवर अ टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ शाफ्ट, तो उसमें जो भी टॉर्क अप्लाई हो रहा है दैट इज द मीन। ठीक है, हमको इंडिविजुअल उसके कंपोनेंट्स पे टॉर्क लग रहा है उस पर नहीं चल रहा, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अ मीन टॉर्क इज अप्लाइड, ओवरऑल सभी पे एक कॉमन एक एवरेज टॉर्क वहां पे लग रहा है। ओके, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि दिस इज द मीन टॉर्क। ओके, एंड पी इज इन किलोवाट, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पी इज इन किलोवाट, टी इज इन मीन टॉर्क। ठीक है, विच प्रॉपर्टी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर शाफ्ट मटेरियल, कौन सी प्रॉपर्टी शाफ्ट मटेरियल के रिक्वायर्ड नहीं है, हाई शेयर टेंसाइल, गुड मैक इनेबिलिटी, हाई फैटिक स्ट्रेंथ, गुड कास्ट एबिलिटी। ठीक है, तो अब देखिएगा, हाई शेयर एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ठीक है, और रिजिडिटी आप लोगों को चाहिए ही था, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो आप लोगों के ऐसे ही आप लोगों के शॉर्ट आउट आप लोगों के कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ऑड वन आउट खेल लीजिए यहाँ पे, तो ए और सी ऑड वन आउट हो, क्योंकि स्ट्रेंथ तो हमको डिजाइन क्राइटेरिया में था ही। ओके, नॉट रिक्वायर्ड, ये दोनों तो रिक्वायर्ड है तो ये आउट हो गया। अब बताया गुड मैक इनएबिलिटी, गुड कास्ट एबिलिटी। ठीक है, तो कास्ट ये जो वर्ड है, कास्ट बेसिकली सेंस करता है आप लोगों का जो प्रोडक्शन में होता है कास्टिंग प्रोसेस, ठीक है, उसको ही डिनोट कर रहा है। तो गुड कास्ट एबिलिटी, तो देखो कास्ट कैसा भी हो उस टाइम उसकी प्रॉपर्टी जो भी हो, आफ्टर फिनिशिंग या आफ्टर वो प्रॉपर मशीनिंग के बाद जो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, ठीक है, उससे हमको मतलब होता है। तो उस टाइम कास्टिंग के टाइम भी आप लोगों की क्या क्या प्रॉपर्टी थी उस मटेरियल की, ओके, उसमें क्या क्या स्ट्रेस थे, क्या क्या आपके जो डिफेक्ट्स थे वो रिमूव करके हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है,
तो यहाँ पे जो गुड कास्टेबिलिटी वो होनी चाहिए, ठीक है, ये हमारे टॉर्क के लिए अभी मायने नहीं रखता। जब बात आएगी सॉरी शाफ्ट शाफ्ट के मटेरियल पे मायने नहीं रखता, ठीक है, क्योंकि हमको एक फिनिश्ड गुड मिल रहा है जिससे हम अपने शाफ्ट को फिर से डिजाइन करेंगे, या उसका जो वैल्यूज है, डायमीटर हो गए, लेंथ वेंथ का क्राइटेरिया हम फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द गुड कास्ट एबिलिटी, इस चीज पे शाफ्ट का मटेरियल अभी फिलहाल डिपेंड नहीं करता आप लोगों का, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या क्या है, स्ट्रेंथ होना चाहिए, रिजिडिटी होना चाहिए, ठीक है, एंड गुड मैक इनेबिलिटी। गुड मैक इनेबिलिटी, ठीक है, मैक नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो गुड मैक इनेबिलिटी मतलब विथ रोटेशन इट शुड नॉट गेट डिफॉर्म, ठीक है। रोटेशन के कारण उसके फैटिक स्ट्रेंथ भी आप लोगों को दिए है, वो सीधा रिलेट कर रहे हैं फैटिक स्ट्रेंथ पे, ठीक है। फैटिक मीन्स अ फ्रैक्चर और अ साइन ऑफ फ्रैक्चर व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ फ्लक्चुएटिंग लोड, ठीक है, या डायनेमिक लोडिंग के कंडीशन पे आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट इज विच मटेरियल सुटेबल फॉर शाफ्ट मटेरियल, शाफ्ट के लिए कौन सा मटेरियल सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो कौन सा सबसे अच्छा होता है, हाई स्पीड स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील, ग्रे कार्बन स्टील, स्टील हैविंग अप्रोक्स 0.5% कार्बन एंड 0.8% मैंगनीज। तो देखिए एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, बट शाफ्ट की प्रॉपर्टी ये बेसिकली आप लोग कब पढ़ोगे, जब आप लोग का प्रोडक्शन का टॉपिक आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस चीजों में है हमारा जो कंपोनेंट होता है, ठीक है, कौन कौन सी चीजों से हम उसको बनाते हैं। अगर पर्टिकुलर उसका कंपोजिशन सो एंड सो वेरी कर रहा है तो हम किस पर्पस के लिए उस मटेरियल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका आंसर क्या हो रहा है, स्टील हैविंग अप्रोक्स 0.4% कार्बन एंड 0.8% मैंगनीज। अब देखिए कार्बन कंटेंट हम क्यों इस पे वेरी कर रहे हैं, 0.4%, दैट मीन्स ये मीडियम कार्बन स्टील होगा लोगों का, ठीक है, हाई हाई कार्बन स्टील हम नहीं बोल सकते। सेकंड इज मैग्नीज क्यों है, ये बहुत बड़ा आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है कि व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज, या क्या क्या हम उसमें ऐड करते हैं, मतलब जिससे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। मैग्नीज गिव गुड योर मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी, तो शाफ्ट्स को अगर हमको उसको कर्व करना है, ठीक है, या रिक्वायर्ड डायट तक हमको उसे रिड्यूस करना है, या उसमें कुछ भी हमको एनग्रेव्स करने हैं, तो वहां पे क्या होना चाहिए, उसमें गुड मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर उसमें 0.8% मैग्नीज है, मैग्नीज कंटेंट है, दैट मीन्स इट गॉट इट्स गुड मशीनेबिलिटी, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्टील हैविंग 0.4% कार्बन 0.8% मैग्नीज को शाफ्ट के मटेरियल के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वैरायटीज का। तो इफ अ डायमीटर ऑफ अ शाफ्ट इज डबल द पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी विल बी, ठीक है, अगर डायमीटर डबल होता है, अब देखिएगा कहाँ इस ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आप लोगों को दो अलग अलग प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेप में जाके क्वेश्चन को समझना है। प्राइमरी स्टेप इज द डायमीटर ऑफ अ शाफ्ट इज डबल द पावर ट्रांसमिटेड। अच्छा, पावर ट्रांसमिटेड कैपेसिटी हमने क्या देखा था, 2π NT/16 2000, ठीक है, तो वो हम से पावर निकल गया, तो देयर्स पावर पी इज प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है, तो टी से प्रोपोर्शनल है। और टॉर्शन इक्वेशन में क्या है, पावर डायरेक्टली आप लोगों को दिखता नहीं, वहां पे आप लोगों को क्या दिखता है, टॉर्क टॉर्क, ठीक है, या ट्विस्टिंग मोमेंट आप लोग बोल लीजिए। तो वो जो टॉर्क है, दैट टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू योर डायमीटर, ठीक है, ओके, टी अपॉन जे इज इक्वल टू अपॉन आर, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो डायमीटर ऑफ द शाफ्ट अगर हम डबल करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या कंपेयर करना है, द पावर ट्रांसमिटेड कैपेसिटी, मतलब टॉर्क का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो उस बेसिस पे T1/T2 आप लोगों का क्या बन रहा है, शियर स्ट्रेस इज कॉन्स्टेंट, दैट विल गिव जे अपॉन आर, ठीक है, जे इज वॉट, π/32 d^4 अपॉन योर रेडियस, दैट इज d/2, ठीक है। तो ये चीज को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप लोगों का जो क्या मिलेगा, d^4 और d, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, एंड यू विल बी गेटिंग अ वैल्यू d^3, d का क्यूब मिलेगा, ठीक है, तो d^1/d^2 होल क्यूब। तो रेशियो का आप लोगों को क्या बोल रहा है, रेशियो इज डबल, दैट मीन्स d^1/d^2 = 2। तो जब ये वैल्यू आप लोग पुटअप करेंगे तो आप लोगों को रेशियो क्या मिलेगा, इट गिव्स यू 8 टाइम्स,
ठीक है, 2 to the power 3 दैट इज 8 टाइम्स, क्लियर है। तो बेसिकली टॉर्शन में ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम्स में पेपर वन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मेन इशू है जो टॉर्शन में आप लोगों को शाफ्ट इन सीरीज, शाफ्ट इन पैरेलल का जो टॉपिक है उसको आप लोग सिर्फ पेपर वन में है तो ऑब्जेक्टिव्स को समझ जाइए, न्यूमेरिकल उतने कोर में जाके आप लोगों से नहीं पूछेगा, ठीक है। ट्विस्ट कैलकुलेट करने या आप लोगों का बेसिकली जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करने, बिकॉज वहाँ पे क्यूबिक और टू द पावर 4 कैलकुलेशन वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेक्टिक हो जाता है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, टॉर्क ट्रांसमिटिंग क्राइटेरिया, हॉलो टू सॉलिड, सॉलिड टू हॉलो, ठीक है, शाफ्ट्स इन सीरीज, शाफ्ट्स इन पैरेलल, ठीक है। ये 5 टॉपिक आप लोगों के मोटे मोटे जिनसे क्वेश्चंस, एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन, अगर आप लोगों का टॉर्क और शियर स्ट्रेस के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, या टॉर्क या रेडियस पे, या टॉर्क या एंगल ऑफ ट्विस्ट पे, पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ द शाफ्ट, ठीक है, टॉर्शन इक्वेशन सीधे सीधे पूछ सकता है, इसकी यूनिट्स पूछ सकता है, ठीक है। ट्विस्ट, अगर एंगल ऑफ ट्विस्ट आप लोग उस फॉर्मूले से निकालते हैं तो उसकी यूनिट क्या होगी, ओके, जी की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज जी बेसिकली देयर, ठीक है। अगर इलास्टिक कॉन्स्टेंट सीधे पूछेगा तो वो सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन का टॉपिक हो गया, बट यहाँ पे अगर जी के बेसिस पे आप लोगों से टी और टाउ और आप लोगों का टॉर्क को कंपेयर करने बोलता है तो वो आप लोगों का टॉर्शन का है। प्योर टॉर्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, एजम्पशंस क्या क्या थे हमारे टॉर्शन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इतनी चीजें अगर आप लोग मोटे मोटे में कर लेते हो दैट मीन्स टॉर्शन टॉपिक से आप लोगों का और कुछ एक्स्ट्रा नहीं रह जाता, ठीक है। तो याद रखिएगा जो अभी मैंने लास्ट में आप लोगों को 6-8 टॉपिक्स बताए हैं उसको रिवाइज कर लीजिएगा, फॉर्मूला बुक में उन फॉर्मूलाज को लिख लीजिए, 1 week बिफोर जो आप लोगों को फॉर्मूला बुक फॉर्मूला कॉपी बनानी है उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले उतने को पढ़ लीजिएगा, रिफ्रेशर जैसा या फॉर्मूला बुक जैसा पूरा माइंडसेट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक रह जा रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लास्ट टॉपिक वो कवर अप करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बोलिएगा जो जिनको भी वीडियो अच्छा लगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ओके, थैंक यू।